हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की कुछ ऐसी शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, उससे आपको हमारी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पहली नंबर की ट्रिक है वो है व्हाट्सएप ट्रांसलेट। व्हाट्सएप ट्रांसलेट में क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने इंग्लिश में मैसेज किया और आपको इंग्लिश नहीं आती है पढ़ने, और ना आपको समझ में आता है इंग्लिश में, और आपको जल्दी मैसेज करना है, उसको जल्दी रिप्लाई करना है, आपको कहीं नहीं जाना है गूगल वूगल में, कहीं नहीं जाना है, आपको सीधा व्हाट्सएप से आपको डायरेक्ट रिप्लाई करना है, तो आपको क्या करना होगा। जैसे कि देखिए, इसने मेरे को भेजा है व्हाट आर यू डूइंग और मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और पेस्ट करने के बाद मैंने इसको होल्ड किया, और देखिए होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर तीन बिंदी का ऑप्शन मिल जाता है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो मैं पूरा, और यहाँ पर देखिए तीन बिंदी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और देखिए दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुल के आया, जिसमें जो भी इंग्लिश का वर्ड है उसका हिंदी निकल के आ गया। तो देखिए व्हाट आर यू डूइंग का मतलब है तुम क्या कर रहे हो, तो मेरे को इसका मीनिंग पता चल गया, अब मैं इसको रिप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे रिप्लाई करूँगा, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं कैसे इसको रिप्लाई करूँगा। तो हमको यहाँ पर टाइप कर देना है, हिंदी में टाइप करना है आपको, जैसे कि अच्छा हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया अच्छा हूँ, और अब आपको इसको इंग्लिश में करना है, तो क्या करना है आपको, देखिए इस पर होल्ड कीजिए थोड़ा और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप तीन बिंदी पे जाइए, और वहाँ पर आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, और देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाता है, जिसमें आपको अच्छा होगा इंग्लिश मिल गया बी नाइस, तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है इसको काट के, और देखिए मैंने पेस्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर मैंने इसको रिप्लाई दे दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको रिप्लाई, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट का ऐप होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। अब जो हमारी दूसरी नंबर की ट्रिक है वो है व्हाट्सएप शेयरिंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हम लोग जब किसी को शेयर करते हैं कोई चीज़, तो हम लोग पांच कोई से ज़्यादा कोई को शेयर नहीं कर सकते। पहले आप 10-10, 20-20 लोगों को शेयर कर सकते थे एक साथ, लेकिन जब से बेकार बेकार वीडियो वायरल होनी शुरू हुई है व्हाट्सएप पे, जब से उन्होंने ये चीज़ बंद कर दिया है, आप पांच कोई से ज़्यादा किसी को शेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ को। उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको किसी चीज़ को शेयर करना है और बहुत ज़्यादा शेयर करना है, मान लीजिए आपकी वीडियो है या कोई चीज़ भी आपको शेयर करना है, तो आपको पांच से ज़्यादा किसी को शेयर करना है एक साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर तीन बिंदी का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू ब्रॉडकास्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और देखिए क्लिक करने के बाद में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है यहाँ पर वो सब खुल के आ जाएंगे। और तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको इसको शेयर करना है, इसको शेयर करना है, जिसको भी आपको शेयर करना है सबको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर किसी को भी कर सकते हैं, चाहे तो सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए मेरे को इतने कोई को करना है, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और टिक पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी मैसेज है, मान लीजिए आप जो भी कॉपी कर रखे हैं, देखिए मैंने कॉपी कर रखा है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैंने इसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर दूंगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, आप इस तरीके से कोई भी आपका मैसेज हो, आप जिसको पहुंचाना चाहते हो, एक साथ बहुत सारे बंदों को पहुंचाना चाहते हो, तो उस तरह आप बहुत सारे लड़के या दोस्तों को आप मैसेज कर सकते हो, तो है ना कूल ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो तीसरे नंबर की ट्रिक है वो है व्हाट्सएप ग्रुप। आपको तो पता होगा कि आपका जो नंबर है, कोई ग्रुप में आप जुड़े रहो तो उसमें जितने भी व्यक्ति जुड़े रहते हैं वो आपको अपने अपने ग्रुप में जोड़ते चले जाते हैं, और उसके वजह से आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं बेकार के, जिसमें आपको बहुत सारे मैसेज भी आते रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो ग्रुप का एडमिन है वो आपका दोस्त ही है, तो आप उसको ग्रुप को छोड़ते भी नहीं हो कि कहीं उस दोस्त को बुरा ना लग जाए, तो इसके चक्कर में आप झेलते रहते हो जितना आप झेल सकते हो, उसमें मैसेज आते रहते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हो और ग्रुप को लीव भी नहीं करते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई भी दूसरा बंदा ग्रुप में आप ज्वाइन करने से पहले आपका परमिशन ले, आपको पूछे एक बार कि भाई मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवाऊं या नहीं करवाऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको तीन बिंदी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग पे चले जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में आपको नीचे चल जाना है, और जो ग्रुप्स का एक ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलता है, देखिए एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट और नोबडी। तो इसमें आपको देखिए एवरीवन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आपको जो तो बंदा आएगा और ग्रुप में ज्वाइन करके चला जाएगा,
और माय कांटेक्ट में अगर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके कांटेक्ट में सेव होंगे व्हाट्सएप में नंबर, वही आपको व्यक्ति ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा बंदा कोई भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकता ग्रुप में। और अगर आप नोबडी पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी बंदा आपको ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकता बिना आपका परमिशन। आपसे पहले परमिशन लेगा कि मैं ज्वाइन करवाऊँ या ना करवाऊँ, उसके बाद में वो आपको किसी ग्रुप में ज्वाइन करेगा। तो देखिए नोबडी पे मैं क्लिक कर देता हूँ और डन कर देता हूँ इसको। तो ये हो गया नोबडी। अब हमारी चौथी नंबर की ट्रिक है, वो है व्हाट्सएप लॉक। अगर आप बेहतरीन लॉक लगाना चाहते हो अपने व्हाट्सएप में और आप पासवर्ड जो है वो याद भी नहीं रखना चाहते कि पासवर्ड मेरे को याद भी नहीं रखना हो, और जो मेरे मोबाइल में लॉक लगा हुआ है परमानेंट वो लॉक भी नहीं लगाना चाहते, कोई अलग से लॉक लगाना चाहते हो, क्योंकि आगे वाला जो फ्रंट वाला वॉलपेपर वाला लॉक होता है वो बहुत लोगों को पता होता है, क्योंकि वो लॉक आप बहुत सारे पर्सन के सामने खोल देते हो, तो इसलिए बहुत सारे दोस्त को या रिलेशन में सबको पता होता है। लेकिन आप व्हाट्सएप का अलग से लॉक लगाना चाहते हो और अच्छा जो आपको याद भी ना रखना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको ये वाला जो ऐप दिख रहा होगा अल्ट्रा लॉक ऐप लॉक फोटो एंड वीडियो वर्ल्ड, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर में आपको आराम से मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कर लेना आपको, और देखिए ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर पिन मांगेगा, तो आपका जो भी मन हो वो पिन आपको दे देना। तो देखिए मैं अपना पिन दे देता हूँ यहाँ पर, और पिन देने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा पिन को। तो देखिए आप दोबारा से वो पिन दे दीजिए अपना। तो देखिए दोस्तों, पिन देने के बाद में आपको यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी ऐप हैं वो सारे खुल के आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जितने भी ऐप में चाहे तो लॉक लगा सकते हैं। तो देखिए अभी तो हम लोगों को व्हाट्सएप में लगाना है, तो देखिए व्हाट्सएप का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है व्हाट्सएप पे, और ये देखिए इनेबल हो गया है ये व्हाट्सएप का। और इनेबल होने के बाद में आपको यहाँ पर तीन बिंदी का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन मिलता है लॉक टाइप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर बैटरी एंड बैटरी पिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए क्लिक कर दिया मैंने और ये एक्टिवेट हो गया है। अब आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे, तो देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए व्हाट्सएप ओपन होने से पहले ये पिन मांग रहे हैं। देखिए आपका पिन क्या होगा, तो देख सकते हैं आप, मेरा जो बैटरी का अभी चार्जिंग है वो 51 है, तो मैं यहाँ पर 51 और 51 मार दूंगा, तो मेरा ये देखिए व्हाट्सएप खुल के आ गया मेरे को। अभी देख सकते हैं मेरी जो बैटरी चार्जिंग है वो 50 है, तो अब मेरा जो लॉक है वो 50 हो जाएगा, 50-50 ऐसे करके मेरा लॉक हो जाएगा। तो मेरे को याद भी नहीं करना होगा, बस खाली मेरे को बैटरी देखना है, 50-50 मेरा बैटरी चार्जिंग है और वही मेरा पासवर्ड भी है व्हाट्सएप का। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही कहीं लिख के रखना पड़ेगा, और ना ही आप भूल सकते हैं इसको कभी। तो है ना ये बहुत ही अच्छा लॉक, तो आप लोग एक बार इस्तेमाल करिए और मेरे को कमेंट में आके बताइए कि आपको ये ऐप कैसा लगा। अब जो हमारी पांचवी नंबर की ट्रिक है वो है व्हाट्सएप ब्लॉकिंग पर्सन। तो देखिए मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है या नहीं? तो देखिए उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको जानने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो देखिए मैं ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ पहले, तो देखिए ग्रुप क्रिएट करने में आपको जिस भी व्यक्ति पे आपको शक है कि इस व्यक्ति ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है व्हाट्सएप पे, तो उस व्यक्ति को आपको ग्रुप में ऐड करना होगा। तो देखिए मैं उस व्यक्ति को ऐड कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे को इस व्यक्ति ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और टिक पे क्लिक कर दिया, और देखिए ग्रुप में मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो बस खाली जानना है, एक ग्रुप नहीं क्रिएट करना, बस खाली मेरे को जानना है कि ये व्यक्ति ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है या नहीं। तो देखिए टिक पे क्लिक कर दिया, और देखिए जिसको मैंने ऐड किया वो मेरे ग्रुप में ऐड हो गया। अगर इस व्यक्ति ने मेरे को ब्लॉक कर रखा होता तो ये ग्रुप में ऐड नहीं होता। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हमारी 6 नंबर की ट्रिक है, वो है 2 वेरिफिकेशन स्टेप, ये लास्ट ट्रिक है, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका व्हाट्सएप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप चाहते हैं मेरा व्हाट्सएप कोई हैक ना कर ले, तो इसके लिए ये फीचर तो ऑन कर ही लीजिए। तो देखिए इसको ऑन करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए आपको यहाँ पर तीन बिंदी पे जाना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको जाना है, और अकाउंट के बाद में देखिए आपको यहाँ पर 2-स्टेप वेरीफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनेबल करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर इनेबल पर आप क्लिक कर दीजिए, और इनेबल करने के बाद आपका जो भी मन हो पिन डालने का, 6-डिजिट का पिन डालना होगा आपको, जो आप याद रख सकें वो पिन यहाँ पर डाल दीजिए आप। देखिए मैं डाल लेता हूँ पिन अपना, और देखिए पिन डालने के बाद आपके पास जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, और देखिए यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा अपना ईमेल, तो मैं यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ अपना ईमेल।
और वेरीफाई करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। तो देख सकते हैं अभी आप यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टू स्टेप वेरीफिकेशन इज इनेबल, तो जो टू स्टेप वेरीफिकेशन है वो इनेबल हो चुका है, तो इसको डन कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है, डिसेबल, चेंज पिन, चेंज ईमेल एड्रेस। जैसे चाहे आपका मन हो जब भी आप इस पिन को चेंज कर सकते हैं, या फिर आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स व्हाट्सएप के, जो आपको ऑन करके रखना चाहिए या फिर आपको जान के रखना चाहिए। ये बहुत ही काम आने वाले फीचर्स है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।